नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक शिक्षा मित्र आदि संविदा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, बड़ी खबर है। 50 दिनों के अंदर मिलेगा शुभ समाचार। आपको बताना चाहूँगा आज की हाईलाइट, आज की ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, यूपी सरकार 50 दिन के अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षक भर्ती पर बड़ा कार्यक्रम कर सकती है अमिताभ अग्निहोत्री। साथियों, बुधवार का समाचार है आज का, और क्या है समाचार पूरा विस्तार से बताते हैं शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक समाचार बता रहे हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये ट्वीट किया है, सूचना दी है, सार्वजनिक किया है, यूपी में सरकार के स्तर पर जो कुछ बड़ा होना है उसके लिए लगभग 50 दिन मान कर चलिए। इसमें जेवर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम सब कुछ शामिल है। नई शिक्षा भर्ती, शिक्षा मित्र अनुदेशक, होमगार्ड, दरोगा भर्ती, इन सब मामलों का भाग्य भी इन्हीं 50 दिनों में तय हो जाएगा। साथियों, ये अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मीडिया को, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा है और क्लियर किया है। साथियों, एक और समाचार इसी तरीके का राजू दास जी महाराज ने भी ट्वीट किया है। क्या है समाचार, वो भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि सरकार क्या करने वाली है। योगी जी के द्वारा कुछ बड़ा होने है, इसके लिए लगभग 50 दिन मानकर चलिए। इसमें जेवर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम सब कुछ शामिल है। नई शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्र निदेशक, होमगार्ड, दरोगा भर्ती, इन सब मामलों का भाग्य भी इन्हीं 50 दिनों में तय हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो बात अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कही है वही बात श्रद्धे राजूदास महाराज जी ने भी उजागर की है और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और संविदा कर्मियों को जो भी हैं उनको बताया है। यहाँ पर एक और समाचार बड़ा आ रहा है शिक्षा विभाग से, मैं आपको बताना चाहूँगा। सीएम को अपशब्द कहते हुए शिक्षकों ने की नारेबाजी, नोटिस। ये एक बड़ी खबर है आज की, जो कि बहुत ही गलत है, संवैधानिक है, और इसमें क्या मामला हुआ है ये सारी इस न्यूज के माध्यम से आप जान सकते हो कि शिक्षकों ने अपने संयम को नहीं रखा, संयम नहीं रखा अपनी भाषा पर और अपशब्द कुछ कहे हैं, ऐसा मामला आ रहा है यहाँ पर, जिसकी शिकायत हुई है और उनको नोटिस जारी हुआ है। साथ ही हम अपने चैनल से सदैव अपील करते रहें, विनम्र निवेदन करते रहें, प्रार्थनाएं की हैं कि शिक्षक का जो दर्जा है वो राष्ट्र निर्माता का है और हम लोग दुनिया को सिखाते हैं, आने वाले भविष्य को सिखाते हैं, तो हमको अपनी क्रियाकलापों पर संयम रखना चाहिए, और क्योंकि हम आदर्श समाज के आदर्श शिक्षक हैं। और सदैव मैंने कहा है कि आप सरकार के खिलाफ कोई भी अपशब्द ना कहें, ये मैं हमेशा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार अपील करता हूँ कि कोई भी भाई, चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, शिक्षक हों, सरकार के खिलाफ कोई भी असंवैधानिक भाषा, असंवैधानिक तरीके का प्रयोग या उसका सहारा ना लें। हमारा यही निवेदन है, सदैव करता हूँ, करता रहूँगा कि हम किसी भी सरकार को अपशब्द ना कहें अपने शब्दों से। तो मेरा फिर से एक बार पुनः अपील है कि आप लोग किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी, अपशब्द या किसी तरीके की गलत नारेबाजी ना करें, धैर्य रखें और भला होगा। ऐसा नहीं है देर है अंधेर है, आप अपनी मांगों को रखिए, संवैधानिक मांगे हैं उनको रखिए, लेकिन किसी को अपशब्द कहना तो ये गलत है, इसके लिए नोटिस जारी हो चुका है। आप सब भी सीख लीजिए और सजग रहिए, सचेत हो जाइए कि हमें सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करनी है, मेरा आपसे यही निवेदन है। साथियों, यहाँ पर एक और हम व्हाट्सएप के द्वारा जो सूचना है वो आपको पढ़कर बता रहे हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। साथियों, बहुत ही अच्छी बात लिखी है। साथियों, स्पेशल कवरेज न्यूज़ के द्वारा एक अपील की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और प्रतिदिन 8 से 9:30 के बीच जो डिबेट हमारे आदरणीय सुकुमार मिश्रा जी, सुरेंद्र दुबे जी और रुद्र प्रताप दुबे जी कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, हम सबको नियमित के लिए
अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं, लगातार ही सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर चैनल से जुड़ें। दोस्तों साफ साफ इसमें निवेदन किया गया है जुड़ने के लिए, और बताया भी 50 दिन भी नहीं लगेंगे और हमारा नियमितीकरण ज़रूर होगा। स्पेशल कवरेज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक स्तर तैयार कर लिया है। बस अब कमी है तो आप सभी की कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, लोगों को जुड़ाएँ, लाइव डिबेट में जुड़ाने के लिए कहें, जुड़ने के लिए कहें, और इंतज़ार करें। बस एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो हम सभी को मेहनत को का फल मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। एक सूचना, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो amazon.in पर जाकर वो माइक खरीद सकते हैं, बेहतरीन है, अच्छा है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। थैंक यू।